स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन चैप्टर फॉर क्लास 12 फ्रॉम आरडी शर्मा इसको कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज आपका बेस्ड है चेन रूल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 57 में हमें डिफरेंशिएट करना है सारे गिवन फंक्शंस को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 3x + 5। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें मालूम है कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x + 5 ये बन जाएगा कॉस 3x + 5। ये क्लियर? बट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, यहाँ पे 3x + 5 था विच इज अदर देन एक्स, और जब कभी भी अदर देन एक्स हो तो यहाँ पे हमें इस पार्ट का डिफरेंशिएशन भी करना होता है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ 3x + 5 ये भी इनटू में आएगा, और इसी को हम कहते हैं चेन रूल। तो ये बन गया, देखिए 3x + 5 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 3 बन जाएगा, तो ये आ गया 3, देन कॉस 3x + 5, तो ये आंसर बन जाएगा। क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन है टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है टेन स्क्वायर एक्स को, और टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं टेन एक्स का होल स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें मालूम है 2x होता है, तो यहाँ पे अगर हम इसको x मान ले तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 10x का होल स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन 2 10x बन जाएगा। बट एक्चुअल में यहाँ x नहीं था, अदर देन x है, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन भी होगा इनटू में, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x भी आएगा। ये क्लियर? ये बन गया 2 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर? नाउ यहाँ पे है 10x degree + 45 degree, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, यहाँ पे 10x degree + 45 degree, इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x degree plus 45 degree हो जाएगा। बट यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, अदर देन x है, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन भी आएगा, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x degree, x degree को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई x अपॉन 180 बन जाएगा, और देन प्लस 45 डिग्री। ये क्लियर? नाउ पाई एक्स अपॉन 180 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में पाई अपॉन 180 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ से पाई अपॉन 180 मिल गया, और 45 डिग्री कांस्टेंट है, एक्स है ही नहीं, तो 45 डिग्री का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पाई अपॉन 180 प्लस 0 पाई अपॉन 180, और देन ये sec स्क्वायर एक्स डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये आंसर बन जाएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन लॉग एक्स। तो देखिए अगर हम यूज करें साइन एक्स, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स बन जाएगा, बट यहाँ एक्स नहीं है, अदर देन एक्स है, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स ये भी आएगा, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x, यहाँ पे अपॉन एक्स लिख सकते हैं, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर? अब फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है e^sin√x का डिफरेंशिएशन e^x होता है, तो e^sin√x का डिफरेंशिएशन e^sin√x बन जाएगा, बट यहाँ सिर्फ एक्स नहीं था, अदर देन एक्स है, sin√x है, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन भी आएगा, तो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin√x भी बनेगा। नाउ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो sin√x का डिफरेंशिएशन cos√x लिख सकते हैं, e^sin√x, और यहाँ पे ये बन गया cos√x, बट अगेन यहाँ पे सिर्फ एक्स नहीं था, रूट एक्स है, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन 1/2√x, और देन इनटू ये पार्ट, तो e^sin√x इनटू cos√x, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर? नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ e^10x। e^x का डिफरेंशिएशन e^x होता है, तो e^10x का डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं e^10x, बट यहाँ सिर्फ x नहीं है, 10x है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, ये बन गया e^10x,
और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन है साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस वन, इसको हम साइन टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये क्लियर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है टू एक्स, यहां से इसका डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं टू साइन टू एक्स प्लस वन, बट यहां सिर्फ एक्स नहीं था, अदर देन एक्स है, साइन टू एक्स प्लस वन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू एक्स प्लस वन भी आएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहां से टू साइन टू एक्स प्लस वन, साइन टू एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं कॉस टू एक्स प्लस वन, बट यहां सिर्फ एक्स नहीं है, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन भी होगा, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ टू एक्स प्लस वन भी आएगा। नाउ टू एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में टू बन जाएगा, तो ये पूरा बन गया टू इंटू टू साइन टू एक्स प्लस वन कॉस टू एक्स प्लस वन। नाउ टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये साइन टू एक्स होता है, तो यहां से इतने को लिखा जा सकता है साइन ट्वाइस ऑफ दिस, तो फोर एक्स प्लस टू, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। एट्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बेस सेवन टू एक्स माइनस थ्री, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग बेस ए बी दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए, तो यहां से हम इस पूरे को लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग टू एक्स माइनस थ्री, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट लॉग में बेस यही होता है, आप इसको लॉग बेस ही टू एक्स माइनस थ्री भी लिख सकते हैं, अपॉन लॉग सेवन लिखे या लॉग बेस ही सेवन लिखे, बात एक ही है। नाउ यहां से वन अपॉन लॉग बेस ही सेवन, ये कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए। नाउ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है, तो लॉग टू एक्स माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री बन जाएगा, बट यहां सिर्फ एक्स नहीं था, अदर देन एक्स है, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस थ्री भी आएगा। 2x माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 बनेगा, तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं 2 अपॉन लॉग बेस ई सेवन इंटू टू एक्स माइनस थ्री, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। नाइन्थ क्वेश्चन है tan 5x डिग्री, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 5x डिग्री, बट यहां सिर्फ x नहीं है, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन भी होगा, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5x डिग्री, और x डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 5 पाई x अपॉन 180 बन जाएगा, ये क्लियर। अब 5 पाई x अपॉन 180 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और ये कांस्टेंट है, तो सिंपली यहां से मिल जाएगा 5 पाई अपॉन 180 और देन sec स्क्वायर 5x डिग्री, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। नाउ टेंथ क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टू द पावर x क्यूब, नाउ a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log बेस ई a, यहां से इसके डिफरेंशिएशन को हम लिख सकते हैं a टू द पावर x मतलब 2 टू द पावर x क्यूब, देन log बेस ई a के प्लेस पे यहां 2 है, टू आ जाएगा, ये क्लियर। हम यूज कर रहे हैं ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला, बट यहां सिर्फ एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन भी आएगा, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में थ्री एक्स स्क्वायर, ये बन गया थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टू टू द पावर एक्स क्यूब लॉग बेस ई टू, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। नाउ इलेवेंथ क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ 3 टू द पावर e टू द पावर x, ये क्लियर। अगेन यहाँ पे e टू द पावर x हम यूज कर सकते हैं, ये होता है e टू द पावर x मीन्स 3 टू द पावर e टू द पावर x बन जाएगा, देन log बेस e a, a के प्लेस पे 3 है, ये क्लियर। बट यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, अदर देन x से e टू द पावर x दिया हुआ है, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन भी आएगा, तो यहां से e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा x के रिस्पेक्ट में, e टू द पावर x इंटू थ्री
टू द पावर ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई 3, ये आंसर बन जाएगा। नाउ 12th क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बेस एक्स 3। नाउ लॉग बेस ए बी, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए, तो इसका यूज कीजिए। तो यहां से इसको लिखा जा सकता है लॉग 3 अपॉन लॉग एक्स, ये क्लियर। और इस अपॉन लॉग एक्स को अगर हम ऊपर ले जाए तो इंटू लॉग एक्स टू द पावर माइनस 1 बन जाएगा। लॉग 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। देन अगर हम यहाँ x टू द पावर माइनस 1 यूज करें तो x टू द पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। यहां से इसके डिफरेंशिएशन को हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर, ये क्लियर। बट अगेन यहाँ सिर्फ x नहीं है, लॉग x है, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन भी आएगा। तो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग 3 अपॉन x इंटू लॉग x का स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा, क्लियर। 13th क्वेश्चन है, यहाँ हमें डिफरेंशिएट करना है 3 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x, ए टू द पावर x यूज कीजिए। ये होता है ए टू द पावर x, यानी कि 3 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x, देन इंटू लॉग बेस ई ए, तो लॉग बेस ई ए के प्लेस पे 3 है। अब यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, अदर देन x है, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन भी होगा, तो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x भी आएगा। अब x स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x प्लस 2 बन जाएगा, तो 2x प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x इंटू लॉग बेस ई 3, ये आंसर बन जाएगा, क्लियर। 14th क्वेश्चन है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। यहाँ पे इस पूरे का डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू यहाँ पे सिर्फ एक्स नहीं है, अदर देन एक्स है, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्लियर। 1 अपॉन दिस मीन्स इस पार्ट का रेसिप्रोकेट करके लिख दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं ये ऊपर चला जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे डिवीजन रूल लगा दीजिए, तो डिनोमिनेटर पार्ट बाहर, न्यूमरेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस 2x बन जाएगा, देन माइनस न्यूमरेटर पार्ट बाहर, और देन डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x बनेगा, एंड देन होल अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर, ये क्लियर। यहां से हम इसको लिख सकते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से ये आ गया माइनस 2x से इंटू कीजिए, माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स, देन माइनस 2x क्यूब, और यहां से आ जाएगा 2 ए स्क्वायर एक्स और ये माइनस, तो माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स, देन माइनस 2x क्यूब और ये माइनस, तो प्लस 2x क्यूब, देन होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्लियर। नाउ माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब कैंसिल, ये बन गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से आ गया माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 माइनस हाफ, ये बन जाएगा 4 माइनस 1 3 अपॉन 2, ये क्लियर। देन यहाँ पे माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स है और अपॉन में 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। नाउ इस 2 से इस 4 को 2 टाइम्स में कैंसिल कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 और ये 2 नीचे से अलग हो जाएगा, तो ये रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन है,
यहां पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है 3 टू द पावर एक्स लॉग एक्स को। यहां पे हम ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स, यहां से हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर एक्स लॉग एक्स देन इनटू लॉग बेस ई ए, ए के प्लेस पे यहां 3 है तो यहां भी 3 आ जाएगा। बट यहां पे सिर्फ एक्स नहीं है, अदर देन एक्स है तो एक्स लॉग एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा। और यहां पे हम प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं, तो 3 टू द पावर एक्स लॉग एक्स इनटू लॉग बेस ई 3, और यहां पे एक्स बाहर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स एंड प्लस लॉग एक्स बाहर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, ये बन गया। और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स देन इनटू 3 टू द पावर एक्स लॉग एक्स इनटू लॉग बेस ई 3, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर? नाउ 16th क्वेश्चन है रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। यहां पे हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसको रैशनलाइज कर दें, तो ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो यहां से ये बन जाएगा रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, और यहां से आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ रूट से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये बन गया। और यहां से 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टेन एक्स, ये बन गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, दोनों ही टर्म से अगर हम sec x बाहर निकाल ले तो यहां से आ गया tan x और यहां से मिल जाएगा sec x, तो ये आंसर हम लिख सकते हैं। क्लियर? 17th क्वेश्चन है यहां पे हमें डिफरेंशिएट करना है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो यहां पे इतने का डिफरेंशिएशन ये हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट यहां पे सिर्फ एक्स नहीं है, अदर देन एक्स है तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये पार्ट भी आएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतने का डिफरेंशिएशन भी करना होगा। नाउ अब यहां 1 अपॉन दिस पार्ट, तो ये ऊपर चला गया, तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इस पूरे को। और यहां पे डिवीजन रूल लगा दीजिए, तो डिनोमिनेटर पार्ट बाहर न्यूमरेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस टू एक्स देन माइनस न्यूमरेटर पार्ट बाहर देन डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x देन होल अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर, ये क्लियर? ये बन जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से माइनस टू एक्स का इंटू कीजिए तो माइनस टू एक्स क्यूब, यहां से आ गया 2x और ये माइनस, तो माइनस टू एक्स देन माइनस टू एक्स क्यूब और ये माइनस, तो प्लस टू एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्लियर? नाउ माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब ये कैंसिल, यहां से मिल गया माइनस फोर एक्स अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां पे रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 2 माइनस हाफ यानी कि 3 अपॉन 2, और इस 2 से इस 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स में, यहां से 2 अलग कर दीजिए, तो ये आंसर बन जाएगा। क्लियर? नाउ 18th क्वेश्चन है लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, यहां से इसका डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं 2 log sin x, बट अगेन यहां सिर्फ x नहीं है तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x ये भी आएगा। नाउ 2 log sin x देन यहां log sin x का डिफरेंशिएशन log x का 1 अपॉन x होता है, तो यहां से हम 1 अपॉन sin x लिख सकते हैं, बट अगेन यहां log x नहीं है, log sin x है, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x ये भी आएगा।
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ये बन जाएगा कॉट एक्स, और यहाँ से 2 इंटू लॉग साइन एक्स, तो ये आंसर बन जाएगा। क्लियर? नाउ 19th क्वेश्चन है, रूट ओवर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स भी आएगा, ये ऊपर चला गया, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स बनेगा। यहाँ डिविजन रूल लगाइए, तो डिनोमिनेटर पार्ट बाहर, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ से आ जाएगा 1, देन माइनस न्यूमरेटर पार्ट बाहर, डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस 1 होल अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर, ये क्लियर? ये यहाँ से हम लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स, 1 से इंटू करने पे 1 माइनस एक्स, यहाँ से माइनस 1 और ये माइनस प्लस 1, देन माइनस एक्स और ये माइनस प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्लियर? नाउ माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल, 1 प्लस 1 2, तो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल, यहाँ से आंसर आ गया 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स, और यहाँ भी 1 माइनस एक्स है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स है, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2 माइनस हाफ 3 अपॉन 2, तो ये आंसर बन जाएगा। क्लियर? नाउ 20th क्वेश्चन है, यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट करना है साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, यहाँ पे इतने का डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हैं कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट अगेन यहाँ सिर्फ एक्स नहीं है, अदर देन एक्स है, तो इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये पार्ट भी आएगा। नाउ ये पूरा बन गया कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ डिविजन रूल यूज कर लीजिए, तो डिनोमिनेटर पार्ट बाहर, न्यूमरेटर पार्ट का डिफ्रेंशिएशन 2x आ जाएगा, देन माइनस न्यूमरेटर पार्ट बाहर, इस डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन माइनस 2x आ जाएगा, देन होल अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर, ये क्लियर? ये बन जाएगा कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से 2x का इंटू कीजिए, तो 2x माइनस 2x क्यूब, देन माइनस 2x और ये माइनस, तो प्लस 2x, माइनस 2x क्यूब और ये माइनस, तो प्लस 2x क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब ये कैंसिल, यहां से आ गया 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर? देन यहां है ई टू द पावर 3x इंटू कॉस 2x, तो यहां प्रोडक्ट रूल यूज कीजिए, ई टू द पावर 3x बाहर, देन कॉस 2x का डिफरेंशिएशन, कॉस 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2x, और देन डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, ये क्लियर? अब ये कॉस 2x बाहर, ई टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर 3x, और देन इस 3x का डिफरेंशिएशन भी होगा, तो यहां से ये बन गया 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो माइनस 2 साइन 2x इंटू ई टू द पावर 3x, एंड यहां से आ जाएगा 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो 3 ई टू द पावर 3x इंटू कॉस 2x, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर? नाउ 22nd क्वेश्चन है, यहां हमें डिफरेंशिएट करना है साइन लॉग साइन x को, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं कॉस लॉग साइन x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स भी आएगा, ये बन गया कॉस लॉग साइन एक्स, देन लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स,
और देन ये आ जाएगा कॉस लॉग साइन एक्स, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। अब 23rd क्वेश्चन है, यहां हमें डिफ्रेंशिएट करना है e टू दी पावर टेन थ्री एक्स, तो ये बन जाएगा e टू दी पावर टेन थ्री एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन थ्री एक्स, ये क्लियर। अब टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, e टू दी पावर टेन थ्री एक्स, यहां से आ गया sec स्क्वायर थ्री एक्स, बट यहां अगेन अदर देन एक्स है तो इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ थ्री एक्स, ये भी आएगा। थ्री एक्स का डिफ्रेंसिएशन थ्री, तो थ्री e टू दी पावर टेन थ्री एक्स इंटू sec स्क्वायर थ्री एक्स, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। 24th क्वेश्चन है, यहां में डिफ्रेंशिएट करना है e टू दी पावर रूट कॉट एक्स, तो ये बन जाएगा e टू दी पावर रूट कॉट एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट कॉट एक्स। नाउ रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉइंट टू रूट एक्स होता है, तो यहां से ये बन जाएगा e टू दी पावर रूट कॉट एक्स, और इतने का डिफ्रेंसिएशन हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू रूट कॉट एक्स, अगेन यहां पे अदर देन एक्स है तो इस कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी करना होगा। नाउ कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहां से ये बन गया माइनस e टू दी पावर रूट कॉट एक्स और देन कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू रूट कॉट एक्स, तो ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। नाउ 25th क्वेश्चन है, यहां हमें डिफ्रेंसिएट करना है log साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, तो log x का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स होता है, तो इतने का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन दिस, मीन्स इसका रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ये पार्ट भी आएगा क्योंकि अदर देन x है, तो साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी आएगा, ये बन गया वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। यहां पे डिवीजन रूल यूज कीजिए, तो डिनोमिनेटर पार्ट बाहर, देन न्यूमरेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, देन माइनस न्यूमरेटर पार्ट बाहर, और डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो वन प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, देन होल अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट का होल स्क्वायर, ये क्लियर। ये बन गया देखिए वन प्लस कॉस एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल, यहां से आ गया कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां से माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स। नाउ यहां से बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स, ये कैंसिल वन अपॉन साइन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक एक्स, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। 26th क्वेश्चन है, यहाँ लॉग रूट ओवर वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, ये बन जाएगा लॉग रूट ओवर वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, और इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये बन गया लॉग रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो इस रूट से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ये अलग हो जाएगा, तो ये बन गया लॉग 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये बन जाएगा लॉग वन अपॉन साइन एक्स कॉसेक एक्स, देन माइनस कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स होता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स भी आएगा। नाउ ये बन गया कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, देन माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहां से मिल गया कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब अगर इन दोनों टर्म से कॉसेक एक्स बाहर निकाल ले
तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉसेक एक्स, और यहां से मिल जाएगा माइनस कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये और ये कैंसिल, यहां से आ गया कॉसेक एक्स, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। 27th क्वेश्चन है, यहां हमें डिफ्रेंशिएट करना है टेन ई टू दी पावर साइन एक्स को, तो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, यहां से इसका डिफ्रेंसिएशन हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ई टू दी पावर साइन एक्स, बट यहां एक्स नहीं है तो इसका डिफ्रेंसिएशन भी आएगा नाउ ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर एक्स होता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स बनेगा, और देन ये पार्ट सेक स्क्वायर ई टू दी पावर साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, ये बन जाएगा ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आंसर बन गया। नाउ यहाँ पे है डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स होता है, तो यहां से इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, बट अगेन यहां सिर्फ एक्स नहीं है तो इसका डिफ्रेंसिएशन भी आएगा। नाउ ये बन गया वन अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन, देन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टू एक्स बन जाएगा, ये टू और ये टू कैंसिल, वन अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, देन यहां से आ गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, नाउ ये और ये कैंसिल, यहां से आ गया वन अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। 29th क्वेश्चन है, यहां पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को, तो यहां पे हम डिवीजन रूल यूज कर सकते हैं, तो यहां पे डिनोमिनेटर पार्ट बाहर देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर पार्ट, तो ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स आ जाएगा, देन माइनस न्यूमरेटर पार्ट बाहर देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट, तो डिनोमिनेटर पार्ट एक्स स्क्वायर है, देन होल अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर, ये क्लियर। नाउ ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाहर, यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर देन सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स, देन सेकेंड फंक्शन बाहर देन फर्स्ट फंक्शन ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर एक्स, यहां से e टू दी पावर x log x बाहर है, एंड x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड होल अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर x टू दी पावर 4, नाउ x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए अंदर, तो ये x से ये स्क्वायर अलग हो जाएगा, यहां आ जाएगा x e टू दी पावर x, देन x स्क्वायर e टू दी पावर x log x, और यहां से बन गया माइनस 2x e टू दी पावर x log x होल अपॉन एक्स टू दी पावर फोर। अब इन सारे टर्म से अगर हम एक्स ई टू दी पावर एक्स बाहर निकाल लें, यहां से मिल जाएगा वन, यहां से आ जाएगा एक्स लॉग एक्स, और यहां से आ गया माइनस टू लॉग एक्स होल अपॉन एक्स टू दी पावर फोर। अब इस एक्स से इस एक्स टू दी पावर फोर को हम कैंसिल कर सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को, ये क्लियर। नाउ अब यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर ये ऊपर ले जाए, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स टू दी पावर माइनस टू, और यहां आ जाएगा वन अपॉन एक्स, देन एक्स और एक्स कैंसिल, यहां से हम लिख सकते हैं लॉग एक्स, और यहां पे आ जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स लॉग एक्स, तो ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। नाउ 30th क्वेश्चन है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है, तो यहां से हम इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं वन अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, ये भी आएगा
नाउ ये बन गया कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब यहां इन दोनों टर्म से अगर हम कॉसेक एक्स बाहर निकाल ले तो यहां से आ जाएगा कॉसेक एक्स और यहां से आ जाएगा माइनस कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये और ये कैंसिल, कॉसेक एक्स आ गया और ये आंसर बन जाएगा, क्लियर। अब 31st क्वेश्चन है, यहां में डिफरेंशिएट करना है e टू डी पावर 2x प्लस e टू डी पावर माइनस 2x अपॉन e टू डी पावर 2x माइनस e टू डी पावर माइनस 2x को। यहां पे डिवीजन रूल लग जाएगा, यहां से डिनोमिनेटर पार्ट बाहर, डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन आएगा देन माइनस न्यूमरेटर पार्ट बाहर देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट आएगा, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन देन होल अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर। ये क्लियर? नाउ ये बन जाएगा यहां से e टू डी पावर 2x माइनस e टू डी पावर माइनस 2x, e टू डी पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 e टू डी पावर 2x देन e टू डी पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 e टू डी पावर माइनस 2x। नाउ ये बाहर है, e टू डी पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 e टू डी पावर 2x और माइनस e टू डी पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन प्लस 2 e टू डी पावर माइनस 2x बनेगा एंड होल अपॉन e टू डी पावर 2x माइनस e टू डी पावर माइनस 2x का स्क्वायर। ये क्लियर? नाउ अब 2 e टू डी पावर 2x का मल्टीप्लीकेशन कीजिए दोनों टर्म में, तो यहां से आ गया 2 e टू डी पावर 4x, और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए e टू डी पावर 2x इंटू e टू डी पावर माइनस 2x ये 1 बन जाएगा, यहां से आ जाएगा माइनस 2 एंड माइनस 2 e टू डी पावर माइनस 2x से अब इन दोनों टर्म में मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यहां से आ गया माइनस 2 e टू डी पावर माइनस 2x इंटू e टू डी पावर 2x 1 बन जाएगा देन यहां से माइनस माइनस प्लस 2 e टू डी पावर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x बनेगा देन माइनस अब 2 e टू डी पावर 2x से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो यहां से बन जाएगा 2 e टू डी पावर 4x और यहां से आ गया प्लस 2 यहां से 2 e टू डी पावर माइनस 2x इंटू e टू डी पावर 2x तो प्लस 2 आ जाएगा और देन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 e टू डी पावर माइनस 4x एंड होल अपॉन e टू डी पावर 2x माइनस e टू डी पावर माइनस 2x का स्क्वायर। नाउ 2 e टू डी पावर 4x माइनस 2 e टू डी पावर 4x कैंसिल, 2 e टू डी पावर माइनस 4x माइनस 2 e टू डी पावर माइनस 4x ये कैंसिल, यहां से आ गया माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 तो माइनस 8 अपॉन e टू डी पावर 2x माइनस e टू डी पावर 2x का स्क्वायर। ये आंसर बन जाएगा, क्लियर। 32nd क्वेश्चन है, यहां में डिफरेंशिएट करना है log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो इतने का डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं 1 अपॉन दिस पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये नीचे आ जाएगा और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट, तो यहां डिवीजन रूल यूज होगा, तो डिनोमिनेटर पार्ट बाहर देन न्यूमरेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन तो 2x प्लस 1 बन जाएगा देन माइनस न्यूमरेटर पार्ट बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट तो 2x माइनस 1 बनेगा एंड होल अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर। ये क्लियर? नाउ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से ये स्क्वायर कैंसिल, यहां से ये बन जाएगा 2x का इनटू कीजिए तो 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x 1 का इनटू करने पे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 देन 2x क्यूब और ये माइनस तो माइनस 2x क्यूब 2x स्क्वायर और ये माइनस तो माइनस 2x स्क्वायर 2x और ये माइनस तो माइनस 2x
माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस, तो प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स और ये माइनस तो प्लस एक्स, माइनस वन और ये माइनस तो प्लस वन, एंड होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बनेगा। नाउ टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब कैंसिल, टू एक्स माइनस टू एक्स ये भी कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स ये भी कैंसिल, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, देन वन प्लस वन टू, और यहां से हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस एक्स, और यहां पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और यहां से हम माइनस टू अगर हम कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर, और यहां आ जाएगा माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और देन माइनस एक्स का स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहां से बन जाएगा एक्स टू दी पावर फोर देन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये प्लस वन, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 33 है, यहां हमें डिफरेंशिएट करना है टेन इनवर्स e टू डी पावर एक्स को। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये बनता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ एक्स है तो यहाँ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे इतने का डिफरेंशिएशन बन जाएगा वन अपॉन वन प्लस, देखिए यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ e टू डी पावर एक्स है यहाँ e टू डी पावर एक्स का स्क्वायर आएगा, और यहाँ चूंकि अदर देन एक्स है तो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू डी पावर एक्स ये भी बनेगा। नाउ e टू डी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e टू डी पावर एक्स, और यहाँ से वन प्लस e टू डी पावर एक्स का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं e टू डी पावर टू एक्स, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर? नाउ 34th क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू डी पावर साइन इनवर्स टू एक्स, e टू डी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e टू डी पावर एक्स होता है, तो यहां से ये बन जाएगा e टू डी पावर साइन इनवर्स टू एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स टू एक्स, ये क्लियर? अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये होता है वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से ये पूरा बन जाएगा e टू डी पावर साइन इनवर्स टू एक्स और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स टू एक्स, और ये बन जाएगा वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस, यहाँ पे टू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ये क्लियर? बट अगेन यहाँ पे सिर्फ एक्स नहीं है, टू एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन भी आएगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टू एक्स, टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू, तो टू ई टू डी पावर साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस टू एक्स का स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर बन जाएगा। 35th क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहां से ये बन जाएगा कॉस टू साइन इनवर्स एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टू साइन इनवर्स एक्स, नाउ कॉस टू साइन इनवर्स एक्स इंटू टू कॉन्स्टेंट है बाहर, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे हम आंसर लिख सकते हैं टू कॉस टू साइन इनवर्स एक्स होल अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर? 36th क्वेश्चन है, यहां हमें डिफरेंशिएट करना है ई टू दी पावर टेन इनवर्स रूट एक्स को, तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स होता है, तो ये बन जाएगा ई टू दी पावर टेन इनवर्स रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स रूट एक्स भी आएगा। नाउ ये बन गया e टू डी पावर टेन इनवर्स रूट एक्स, टेन इनवर्स रूट एक्स इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, हम यूज किए हैं टेन इनवर्स एक्स, बट यहां पे अदर देन एक्स है तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भी होगा,
और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, यहां से हम लिख सकते हैं e^(tan−1√x/2√x) और इंटू 1+√x² x, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। 37th क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ √tan−1 x/2, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, यहां से इसके डिफरेंशिएशन को हम लिख सकते हैं 1/2√tan−1 x/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan−1 x/2 भी आएगा। ये क्लियर। ये बन गया 1/2√tan−1 x/2, tan−1 x/2 का डिफरेंशिएशन 1/1+x/2 का स्क्वायर बन जाएगा और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x/2 भी आएगा। अब x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, तो यहां से ये मिल गया 1/2 × 1/2 1/4√tan−1 x/2 और यहां से इसको हम लिख सकते हैं नीचे 4 LCM आ जाएगा और ये ऊपर चला गया, तो 4 ऊपर और यहां आ जाएगा 4+x² नाउ ये 4 और ये 4 ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर 1/√tan−1 x/2 × 4+x² ये बन जाएगा। नाउ 38th क्वेश्चन है, यहां हमें डिफरेंशिएट करना है log tan−1 x को, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं 1/tan−1 x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan−1 x। नाउ tan−1 x का डिफरेंशिएशन 1/1+x² और इंटू tan−1 x, तो ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। 39th क्वेश्चन है, यहां हमें डिफरेंशिएट करना है 2√x(cos x)/(x²+3) का स्क्वायर, तो यहां हम डिवीजन रूल यूज कर सकते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर पार्ट बाहर, न्यूमरेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो यहां प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो 2√x बाहर, cos x का डिफरेंशिएशन −sin x, देन +cos x बाहर, 2√x का डिफरेंशिएशन 2√x log base 2, देन माइनस न्यूमरेटर पार्ट बाहर और देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट, तो x²+3 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 2x²+3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x²+3, तो 2x भी आएगा एंड होल अपॉन x²+3 का स्क्वायर, तो x²+3⁴ बन जाएगा। नाउ अब इन दोनों टर्म से अगर हम x²+3 का स्क्वायर बाहर निकाल ले और 2√x भी हर जगह दिख रहा है, तो 2√x भी बाहर निकाल लीजिए और यहाँ नीचे x²+3⁴, तो यहाँ बचेगा, देखिए ये बाहर है, यहाँ से आ गया −sin x, यहाँ से 2√x बाहर है, तो ये आ जाएगा +cos x इंटू log base 2 और यहाँ से 4x और देन ये cos x और x²+3 का होल स्क्वायर बाहर निकालें, यहाँ x²+3 है, तो अपॉन x²+3 यहाँ आ जाएगा। ये क्लियर। नाउ x²+3 के होल स्क्वायर से यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे बच जाएगा 2, तो ये रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। क्लियर। 40th क्वेश्चन है, यहाँ हमें डिफरेंशिएट करना है x sin 2x + 5√x + k√k + tan²x³, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए x sin 2x, यहाँ तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा, x बाहर, sin 2x का डिफरेंशिएशन 2cos 2x, देन +sin 2x बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, देन 5√x का डिफरेंशिएशन 5√x log base 5 बनेगा, यहाँ k√k है, x है नहीं, तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, देन tan²x का क्यूब, तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 tan²x का स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ
टेन स्क्वायर एक्स, ये क्लियर। नाउ ये बन गया 2x cos 2x प्लस साइन 2x प्लस 5 टू द पावर x log बेस ई 5, और यहां से 3 tan टू द पावर 4x, और यहां पे tan स्क्वायर x है, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 2 tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x cos 2x प्लस साइन 2x प्लस 5 टू द पावर x log बेस ई 5, और यहां से ये आ गया 3 इंटू 2 6, 10 टू द पावर 5x बन जाएगा, और इंटू sec स्क्वायर x, तो ये आंसर बन जाएगा। नाउ 41st क्वेश्चन है, यहां पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है log 3x प्लस 2 माइनस x स्क्वायर log 2x माइनस 1 को। तो देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो यहां से इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 3x प्लस 2 बन जाएगा, और इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 2, तो इंटू 3 भी आएगा। देन माइनस, यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज कीजिए, तो x स्क्वायर बाहर, log 2x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस 1, तो 2 आ जाएगा ऊपर। देन प्लस log 2x माइनस 1 बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये बन गया, ये क्लियर। ये बन गया 3 अपॉन 3x प्लस 2, देन माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1, देन माइनस प्लस माइनस 2x log 2x माइनस 1, तो ये रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्लियर। नाउ 42 क्वेश्चन है, यहां पे हमें डिफरेंशिएट करना है 3x स्क्वायर sin x अपॉन रूट ओवर 7 माइनस x स्क्वायर को, यहां पे डिवीजन रूल यूज होगा। तो देखिए डिनोमिनेटर पार्ट बाहर, देन न्यूमरेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन, और यहां पे प्रोडक्ट रूल ये यूज होगा। तो 3x स्क्वायर बाहर, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, देन प्लस sin x बाहर, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x, देन माइनस न्यूमरेटर पार्ट बाहर, और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट ओवर 7 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 7 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x भी आएगा, एंड देन होल अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर, तो रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 7 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर cos x प्लस 6x sin x अपॉन रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 7 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे रूट आ जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस, ये 2 और ये 2 कैंसिल, यहां से आ गया 3x क्यूब sin x अपॉन रूट ओवर 7 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 7 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस हाफ 3 अपॉन 2, ये आंसर बन जाएगा। अब 43 है, यहां पे हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन स्क्वायर लॉग 2x प्लस 3 को, और इसको हम लिख सकते हैं साइन लॉग 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये क्लियर। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये होता है 2x, तो यहां से इतने का डिफरेंशिएशन को हम लिख सकते हैं 2 साइन log 2x प्लस 3 और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां पे अदर देन x है, तो साइन log 2x प्लस 3, ये बन जाएगा। अब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन log 2x प्लस 3, और यहां से ये बन जाएगा cos log 2x प्लस 3, एंड अगेन यहां पे x नहीं है, अदर देन x है, तो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log 2x प्लस 3 भी आएगा। अब log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, और यहां पे 2 sin x cos x, इसको हम sin 2x लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा sin twice of this, तो 2 log 2x प्लस 3,
ये इतने प्लेस पे लिख दिए, लॉग 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2x प्लस 3 और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3, तो 2 भी आएगा, तो ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। 44th क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है e टू दी पावर x log sin 2x को, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर लीजिए। तो देखिए e टू दी पावर x बाहर, log sin 2x का डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा 1 अपॉन sin 2x और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x ये बन जाएगा 2 cos 2x और देन प्लस log sin 2x बाहर, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 e टू दी पावर x cos 2x अपॉन sin 2x cot 2x और यहां से आ गया e टू दी पावर x log sin 2x, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। नाउ 45th क्वेश्चन है, यहां पे हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं और रैशनलाइज करने के लिए ऊपर और नीचे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। यहां आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कीजिए, तो इस पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन प्लस इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन प्लस 2 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 2 रूट ओवर एक्स टू दी पावर 4। यहाँ पे भी हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ होल अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये बनेगा। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये 1 और माइनस 1 कैंसिल एंड प्लस 2 रूट ओवर एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 और यहां से आ गया 1 प्लस 1 2, ये 2 से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का, अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x देन रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो इतने का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट ओवर एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1, ये बन जाएगा 4x³, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। 46th क्वेश्चन है, यहां में डिफरेंशिएट करना है लॉग x प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो इतने का डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट, तो x का डिफरेंशिएशन 1, 2 कॉन्स्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 और देन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो इतने का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बनेगा और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 भी आएगा, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 4, ये क्लियर। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और यहाँ से अगर एलसीएम ले लिया जाए 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और देन प्लस 2x प्लस 4। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो x प्लस 2 लिख सकते हैं, ये क्लियर। नाउ अब यहाँ इन दोनों से अगर हम 2 बाहर निकाल ले तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो x प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। नाउ 47th क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 एंड होल टू दी पावर 4, तो एक्स टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x³ होता है, तो इतने का डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं 4 साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 का क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 बनेगा, ये बन जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 का क्यूब एंड साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन
रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 का स्क्वायर, तो एक्स टू दी पावर 8 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर 4, तो 4x³, ये यहां से आ गया 4 इंटू 4 16, x³ इंटू साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 का क्यूब अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। 48th क्वेश्चन है, यहां में डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इतने का डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स के प्लेस पे ये दिया हुआ है, तो एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये पार्ट भी आएगा एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्लियर। नाउ ये बन गया 1 अपॉन रूट ओवर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और देन यहाँ से मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे डिवीजन रूल यूज कीजिए, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, देन माइनस एक्स बाहर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 2x भी आएगा, और देन होल अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। नाउ यहां से रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये ऊपर गया, इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल रूट ओवर ए स्क्वायर, तो ए बन जाएगा, यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल, यहाँ पे अगर एलसीएम ले ले रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, और देन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। नाउ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल, ए से ये स्क्वायर ये भी कैंसिल, ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। नाउ 49th क्वेश्चन है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है ई टू द पावर एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, तो यहाँ पे डिविजन रूल यूज होगा, तो डिनोमिनेटर पार्ट बाहर, डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, ई टू दी पावर एक्स बाहर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स एंड प्लस साइन एक्स बाहर, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, एंड माइनस न्यूमरेटर पार्ट बाहर, और देन डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब है, तो इसका डिफरेंशिएशन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा, और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 2x आ जाएगा, एंड होल अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 6। ये क्लियर। नाउ इसको हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 6, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 6 एक्स, तो 6x ई टू दी पावर एक्स एंड साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 6, तो ये बन जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 4, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। 50th क्वेश्चन है, यहाँ डिफरेंशिएशन करना है 3 ई टू दी पावर माइनस 3x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स का, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन बाहर देन सेकेंड फंक्शन लॉग 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स, तो ये 1 ही होगा, तो इंटू 1 कोई चेंज नहीं होगा, एन प्लस लॉग 1 प्लस एक्स सेकेंड फंक्शन बाहर, और फर्स्ट फंक्शन 3 ई टू दी पावर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, ई टू दी पावर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन माइनस 3 ई टू दी पावर माइनस 3x, अब इन दोनों ही टर्म से 3
और देन ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स ये कॉमन लिया जा सकता है, तो थ्री ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स अगर बाहर निकाल ले यहाँ से मिल जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स, और यहाँ आ गया माइनस थ्री लॉग वन प्लस एक्स, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। 51st क्वेश्चन है, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन रूट ओवर कॉस एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे डिवीजन रूल यूज होगा। तो देखिए डिनोमिनेटर पार्ट बाहर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर प्लस टू का डिफरेंशिएशन टू एक्स, एंड माइनस न्यूमरेटर पार्ट बाहर, और देन डिनोमिनेटर रूट कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा वन अपॉन टू रूट कॉस एक्स, और देन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस बन जाएगा, और देन होल अपॉन रूट कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स, ये क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम नीचे एलसीएम ले लें टू रूट कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटू टू फोर एक्स रूट कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन एक्स, और ये इंटू कॉस एक्स नीचे आएगा, ये क्लियर। अब यहाँ से अगर हम वन अपॉन रूट कॉस एक्स ये बाहर लिख दें, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये तो बाहर है, यहाँ बचा फोर एक्स अपॉन टू टू एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, और देन यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन टू, और देन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 52 है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब अपॉन कॉस टू एक्स, तो यहाँ डिविजन रूल यूज होगा। तो डिनोमिनेटर पार्ट बाहर, न्यूमरेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज होगा, एक्स स्क्वायर बाहर एंड वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन थ्री इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस टू एक्स देन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, ये बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो टू एक्स, देन माइनस न्यूमरेटर पार्ट बाहर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट, तो कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस टू साइन टू एक्स होता है, ये प्लस बन जाएगा टू साइन टू एक्स, एंड होल अपॉन कॉस स्क्वायर टू एक्स आएगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अपॉन कॉस स्क्वायर टू एक्स, और यहाँ पे भी अपॉन कॉस स्क्वायर टू एक्स, ये क्लियर। नाउ कॉस टू एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे ये बन जाएगा, देखिए ये कॉस टू एक्स जो बचा है ये ऊपर गया तो सेक टू एक्स, और यहाँ से आ जाएगा माइनस टू एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ से मिल जाएगा टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, और देन यहाँ पे साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स टेन टू एक्स, और एक और जो कॉस टू एक्स है ये ऊपर गया तो सेक टू एक्स, और देन टू एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं टू एक्स इंटू एक्स और इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, ये क्लियर। अब इन सारे टर्म से सेक टू एक्स सेक टू एक्स ये बाहर निकाला जा सकता है, देन टू एक्स टू एक्स टू एक्स हर टर्म में, उसके अलावा वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन निकाला जा सकता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्लियर। नाउ यहाँ पे मिल गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मिल जाएगा प्लस टेन टू एक्स इंटू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्लियर। नाउ इसको हम लिख सकते हैं टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर सेक टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टेन टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। 53rd क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग कॉट पाई अपॉन फोर प्लस एक्स अपॉन टू, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है, तो इतने का डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट पाई अपॉन फोर प्लस एक्स अपॉन टू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट पाई अपॉन फोर प्लस एक्स अपॉन टू भी आएगा,
कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, यहां से हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई अपॉन फोर प्लस एक्स अपॉन टू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई अपॉन फोर प्लस एक्स अपॉन टू भी आएगा, तो पाई अपॉन फोर का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस एक्स अपॉन टू का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू, ये क्लियर। अब इस कॉट को अगर हम ऊपर ले जाए तो टेन लिख सकते हैं, और टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो साइन पाई अपॉन फोर प्लस एक्स अपॉन टू अपॉन कॉस पाई अपॉन फोर प्लस एक्स अपॉन टू लिख सकते हैं, और इसको नीचे ले आए तो साइन स्क्वायर बन जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर पाई अपॉन फोर प्लस एक्स अपॉन टू और देन इंटू वन अपॉन टू, साइन पाई अपॉन फोर प्लस एक्स अपॉन टू से ये स्क्वायर कैंसिल, वन अपॉन टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स होता है, तो ये बन जाएगा माइनस वन अपॉन यहाँ पे साइन ट्वाइस ऑफ दिस, तो टू इंटू पाई अपॉन फोर पाई अपॉन टू प्लस एक्स अपॉन टू इंटू टू एक्स, तो साइन नाइन्टी प्लस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस वन अपॉन कॉस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस सेक एक्स, ये आंसर बन जाएगा, क्लियर। नाउ 54th क्वेश्चन है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन टू एक्स, यहाँ पे तीन टर्म दिए हुए हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ये हम कैसे यूज करते हैं तो इसको भी सीखिए। एट अ टाइम कोई दो बाहर निकाल लीजिए, तो e टू द पावर ए एक्स इंटू सेक एक्स ये बाहर, टेन टू एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टू एक्स, और टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू भी आएगा, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। देन अब ये दोनों टर्म बाहर निकाल लीजिए, तो sec x tan 2x ये बाहर, e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा a इंटू e टू द पावर ax, तो इस पार्ट का भी डिफरेंशिएशन हो गया, बचा इसका डिफरेंशिएशन, तो अब ये दोनों टर्म ये बाहर निकाल लीजिए, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, ये क्लियर। अब यहां से इन सारे टर्म से e टू द पावर ए एक्स e टू द पावर ए एक्स e टू द पावर एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, और sec x sec x sec x ये बाहर निकाल लीजिए, तो यहां से आ गया 2 sec स्क्वायर 2x, यहां से मिल जाएगा a tan 2x, और यहां से मिल जाएगा प्लस tan 2x इंटू tan x, ये आंसर बन जाएगा, क्लियर। 55th क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग कॉस एक्स स्क्वायर, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, तो ये बन जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा, क्लियर। नाउ 56th क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस लॉग एक्स का स्क्वायर, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर, नाउ माइनस साइन लॉग एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2 log x बन जाएगा, और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x तो 1 अपॉन x, तो ये बन गया, इसको हम लिख सकते हैं माइनस टू साइन log x का स्क्वायर इंटू log x एंड देन होल अपॉन x, ये आंसर बन जाएगा, क्लियर। 57th क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ log रूट ओवर x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है, तो इतने का डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं वन अपॉन दिस पार्ट, तो ये ऊपर चला जाएगा, और देन रूट एक्स माइनस वन ये नीचे आ जाएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये पार्ट आएगा रूट ओवर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये क्लियर। नाउ ये यहां से बन गया रूट ओवर एक्स प्लस वन अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस वन इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स, तो इतने का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट ओवर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये पार्ट भी आएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, नाउ ये बन गया रूट ओवर एक्स प्लस वन
अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस वन इंटू वन अपॉन टू रूट ओवर एक्स माइनस वन, और ये रूट एक्स प्लस वन ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से इस पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ डिवीजन रूल यूज हो जाएगा। तो देखिए डिनोमिनेटर पार्ट बाहर, न्यूमरेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन वन, एंड माइनस एक्स माइनस वन बाहर, एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन वन, एंड होल अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर, ये क्लियर। नाउ यहां से मिल गया रूट एक्स प्लस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन अपॉन टू इंटू रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, और यहां से आ गया एक्स प्लस वन, देन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। नाउ एक्स प्लस वन से ये स्क्वायर कैंसिल, एक्स माइनस एक्स ये भी कैंसिल, यहां से वन प्लस वन टू, और ये टू ये भी कैंसिल, यहां से आ गया वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं, ये आंसर बन जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 58 है, इफ वाई इक्वल्स टू लॉग रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन, तो हमें प्रूफ करना है डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा। तो देखिए यहाँ वाई दिया हुआ है, प्रूफ में हमें डीवाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो इस पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन डीवाई अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं वन अपॉन एक्स होगा, तो इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन हम लिख सकते हैं वन अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन, बट यहाँ सिर्फ एक्स नहीं है अदर देन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन भी होगा। नाउ dy अपॉन dx ये बन जाएगा वन अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन। अब रूट एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, तो ये बन जाएगा वन अपॉन टू रूट ओवर एक्स माइनस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस वन, वन होगा तो इंटू वन कोई चेंज नहीं होगा, देन माइनस रूट एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट ओवर एक्स प्लस वन, और देन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वन अगेन वन होगा तो इंटू वन कोई चेंज नहीं होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स ये बन जाएगा वन अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन, यहाँ पे एलसीएम ये बन जाएगा टू रूट ओवर एक्स माइनस वन इंटू रूट ओवर एक्स प्लस वन, और यहाँ आ जाएगा रूट एक्स प्लस वन, और देन माइनस रूट एक्स माइनस वन, तो रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन है यहाँ, और यहाँ पे रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन है, तो इससे ये माइनस वन टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, इसको स्वैप करके लिख दीजिए तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स ये इक्वल्स टू बन गया माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 59 है, इफ वाई इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन, प्रूफ करना है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हाफ इंटू वाई होगा। तो देखिए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लेके आना है, और वाई इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, तो इस पूरे को डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, रूट एक्स प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वन, तो ये वन आएगा तो इंटू वन कोई चेंज नहीं होगा, देन रूट एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स माइनस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस वन, ये भी वन होगा तो इंटू वन कोई चेंज नहीं होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा टू रूट एक्स प्लस वन इंटू रूट एक्स माइनस वन, यहाँ पे आ गया वन इंटू रूट एक्स माइनस वन, एन प्लस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन। नाउ रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वाई से, तो इतने प्लेस पे आ गया वाई अपॉन टू, और इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस वन इंटू रूट एक्स माइनस वन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हाफ इंटू वाई लिख सकते हैं, और ये हमें लेके आना था,
नाउ क्वेश्चन नंबर 60 है, इफ y इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2, तो प्रूफ करना है x dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 माइनस y इनटू y होगा। तो y यहां पे दिया हुआ है x अपॉन x प्लस 2, इस पूरे को डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, यहां पे डिवीजन रूल लगेगा तो डिनोमिनेटर पार्ट बाहर, देन न्यूमरेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, देन माइनस न्यूमरेटर पार्ट बाहर, और देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट, तो x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इनटू 1, देन होल अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहां भी आएगा और यहां पे भी आ जाएगा, ये क्लियर। नाउ x प्लस 2 से ये स्क्वायर कैंसिल, तो dy अपॉन dx यहां पे आ गया 1 अपॉन x प्लस 2, 1 अपॉन x प्लस 2 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं y अपॉन x, तो इतने प्लेस पे रिप्लेस कर दीजिए y अपॉन x, और यहां पे x इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 लिखा जा सकता है x प्लस 2 के स्क्वायर को, तो ये बन गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू y अपॉन x माइनस x अपॉन x प्लस 2, इसके प्लेस पे आ जाएगा y, और देन 1 अपॉन x प्लस 2, 1 अपॉन x प्लस 2 के प्लेस पे y अपॉन x आ जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू यहां से x एलसीएम आ गया, तो y माइनस y स्क्वायर, यहां से x लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, x dy अपॉन dx इक्वल्स टू यहां से y अगर हम कॉमन निकाल ले तो 1 माइनस y, और यही चीज हमें लेके आना था। क्वेश्चन नंबर 61 है, इफ y इक्वल्स टू log रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x, तो प्रूफ करना है dy अपॉन dx इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन 2x इनटू x प्लस 1 होगा। तो देखिए यहां पे dy अपॉन dx लेके आना है, तो इस पूरे को डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, यहां पे y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो इतने का डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, देन 1 अपॉन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, तो ये बन जाएगा माइनस हाफ एक्स टू दी पावर माइनस हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ एक्स टू दी पावर माइनस 3 अपॉन 2, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 2, इसको नीचे ले आइए तो x टू दी पावर 3 अपॉन 2, इसको लिखा जा सकता है x इंटू रूट एक्स, ये क्लियर। तो इतने का डिफरेंशिएशन बन गया माइनस 1 अपॉन 2 x रूट एक्स, ये क्लियर। नाउ इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन, यहां रूट एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ये ऊपर चला जाएगा, और यहां से एलसीएम आ गया 2x रूट एक्स, तो यहां पे आ गया x और यहां पे आ जाएगा माइनस 1। नाउ इस रूट एक्स से ये रूट एक्स कैंसिल, dy अपॉन dx इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन 2x इंटू x प्लस 1, और यही चीज हमें लेके आना था, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 62 है, इफ y इक्वल्स टू log रूट ओवर 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, तो प्रूफ करना है dy अपॉन dx इक्वल्स टू sec 2x। तो देखिए यहां पे हम y को लिख सकते हैं log 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x टू द पावर हाफ, और log a टू द पावर m, ये m log a होता है, तो ये हाफ यहां आ जाएगा, ये क्लियर। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए क्योंकि dy अपॉन dx चाहिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, यहां से हाफ कांस्टेंट है बाहर, log 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन दिस पार्ट, तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x बन जाएगा, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट, तो यहां डिवीजन रूल यूज कीजिए, तो 1 माइनस 10x बाहर, देन डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस 10x, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x, देन माइनस 1 प्लस 10x बाहर, देन डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस 10x, तो ये आ जाएगा माइनस sec स्क्वायर x,
एंड होल अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर. नाउ 1 माइनस टेन एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल, यहां पे आ गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू हाफ, और यहां से आ गया 1 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, और यहां से बन जाएगा sec स्क्वायर x, देन माइनस sec स्क्वायर x tan x, यहां से आ गया माइनस sec स्क्वायर x और ये माइनस, तो प्लस sec स्क्वायर x, देन माइनस sec स्क्वायर x tan x और ये माइनस, तो प्लस sec स्क्वायर x tan x एंड होल अपॉन 1 माइनस tan x. नाउ माइनस sec स्क्वायर x tan x प्लस sec स्क्वायर x tan x ये कैंसिल, sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x 2 sec स्क्वायर x, 2 sec स्क्वायर x, और यहां से आ गया 1 प्लस tan x इंटू 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan स्क्वायर x. नाउ ये 2 और ये 2 कैंसिल, sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, और यहां है 1 माइनस tan स्क्वायर x. अब हम जानते हैं cos 2x, इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये जो है 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x दिया हुआ है, मींस इस पार्ट का रेसिप्रोकल दिया हुआ है. तो यहां से ये बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन cos 2x बन जाएगा, और ये cos 2x अगर हम ऊपर ले जाए तो sec 2x आ जाएगा, और ये हमें प्रूफ करना था. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 63 है, इफ y इक्वल्स टू रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x, तो प्रूफ करना है 2x dy अपॉन dx इक्वल्स टू रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x होगा. तो देखिए यहां y दिया हुआ है, dy अपॉन dx लेके आना है, तो डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में. तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, और 1 अपॉन रूट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन 2 x टू द पावर 3 अपॉन 2, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 2 x टू द पावर 3 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं x इंटू रूट x. ये क्लियर? नाउ dy अपॉन dx, यहां पे LCM आ गया नीचे 2 x रूट x, यहां से आ गया x, देन यहां से आ जाएगा माइनस 1. नाउ 2x हमें यहां लेके आना है, तो 2x को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो 2x dy अपॉन dx इक्वल्स टू x अपॉन रूट x रूट x, और देन यहां से आ जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट x, और यही चीज हमें लेके आना था. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 64 है, इफ y इक्वल्स टू x sin इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, तो प्रूफ करना है 1 माइनस x स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस y अपॉन x होगा. तो देखिए यहां पे y दिया हुआ है, dy अपॉन dx चाहिए, तो डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में. y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, यहां पे डिवीजन रूल लगेगा, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन इनवर्स x, तो यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो x बाहर, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस साइन इनवर्स x बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1, देन माइनस x साइन इनवर्स x बाहर, और देन डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 1 अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x भी आएगा, एंड होल अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. प्रूफ में हमें dy बाई dx के साथ ये रखना है, तो इसको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx, इसको हम लिख सकते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए दोनों टर्म में, तो यहाँ ये कैंसिल, x बचा, और यहां से आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, और यहां से मिल गया माइनस माइनस प्लस, ये 2 और ये 2 कैंसिल, x इंटू x एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये क्लियर? ये मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस, इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स
और यहां से मिल गया एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया एक्स, और यहां से आ गया वन इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिये साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इतने प्लेस पे हम लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स, और इतने प्लेस पे आ गया वाई अपॉन एक्स, और यही चीज हमें लेके आना था। क्वेश्चन नंबर 65 है, इफ वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो प्रूफ करना है डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर होगा। तो देखिए वाई दिया हुआ है, डीवाई अपॉन डी एक्स लेके आना है, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन डीवाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे डिविजन रूल लगेगा, तो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाहर, और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन प्लस e टू द पावर माइनस x बनेगा, देन माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाहर, और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस x बनेगा, देन होल अपॉन इस पार्ट का स्क्वायर आएगा, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे, ये क्लियर। नाउ डीवाई अपॉन डी एक्स यह आ गया ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल, यहां से मिल गया वन, और यहां से इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, ये क्लियर। e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, इसके प्लेस पे हम रिप्लेस कर सकते हैं वाई को, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये बन गया वन माइनस वाई स्क्वायर, और यही हमें लेके आना था, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66 है, इफ वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन लॉग एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन लॉग एक्स प्लस वन, तो प्रूफ करना है डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होगा। तो देखिए इस पूरे को डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे वाई का डिफ्रेंशिएशन डीवाई अपॉन डी एक्स, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x माइनस वन बाहर, लॉग x माइनस वन का डिफरेंशिएशन वन अपॉन x माइनस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वन, तो इंटू वन कोई चेंज नहीं होगा, देन प्लस लॉग x माइनस वन बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वन, तो ये आ जाएगा वन, तो इंटू वन और देन माइनस, यहां पे भी प्रोडक्ट रूल यूज कीजिए तो x प्लस वन बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x प्लस वन वन अपॉन x प्लस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वन, तो इंटू वन ही होगा, देन प्लस लॉग एक्स प्लस वन बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वन, तो इंटू वन कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ये कैंसिल यहाँ पे ये कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये आ गया वन प्लस लॉग एक्स माइनस वन, और देन यहाँ से मिल गया माइनस वन और माइनस लॉग एक्स प्लस वन, नाउ वन माइनस वन कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी ये होता है लॉग ए अपॉन बी, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और यही चीज हमें लेके आना था, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, इफ वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो प्रूफ करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू रूट टू इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई अपॉन फोर होगा। तो वाई इक्वल टू ये दिया हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स लेके आना है, तो डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो ई टू द पावर एक्स बाहर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, देन प्लस कॉस एक्स बाहर
ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स, ये क्लियर। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, दोनों ही से ई टू दी पावर एक्स बाहर निकाल लीजिए, तो कॉस एक्स देन यहां से माइनस साइन एक्स, ये मिल जाएगा। अब प्रूफ में हमें रूट टू ई टू दी पावर एक्स चाहिए, तो यहां अगर हम ऊपर रूट टू का मल्टीप्लीकेशन करें तो नीचे भी रूट टू का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, तो डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू रूट टू ई टू दी पावर एक्स, और यहां से हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू वन अपॉन रूट टू देन माइनस साइन एक्स इंटू वन अपॉन रूट टू। यहां हमें कॉस एक्स प्लस पाई अपॉन फोर लेके आना है, और हम जानते हैं कॉस ए प्लस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इस पे इसको चेंज कर दीजिए। तो यहां से डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा रूट टू ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, और वन अपॉन रूट टू को हम लिख सकते हैं कॉस पाई अपॉन फोर देन माइनस साइन एक्स, और वन अपॉन रूट टू को हम लिख सकते हैं साइन पाई अपॉन फोर। तो देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी बन जाएगा, तो डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू रूट टू ई टू दी पावर एक्स, और ये पूरा बन गया कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस पाई अपॉन फोर, और यही चीज हमें लेके आना था, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 68 है, इफ वाई इक्वल्स टू हाफ लॉग वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स, तो प्रूफ करना है डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू कॉस एक्स टू एक्स होगा। तो देखिए यहां पे हम वाई को लिख सकते हैं हाफ लॉग वन माइनस कॉस टू एक्स, ये होता है टू साइन स्क्वायर एक्स, वन प्लस कॉस टू एक्स ये होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये टू और ये टू कैंसिल, वाई इक्वल टू बन गया हाफ लॉग टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं टेन एक्स का स्क्वायर। अब हम जानते हैं लॉग ए टू दी पावर एम ये एम लॉग ए होता है, तो ये टू पीछे आ जाएगा, यहां से टू अपॉन टू ये वन बन गया, यहां से आ गया लॉग टेन एक्स। अब हमें डीवाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहां से वाई का डिफ्रेंशिएशन डीवाई अपॉन डी एक्स लॉग टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन टेन एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से डीवाई अपॉन डी एक्स ये बन जाएगा इस सेक स्क्वायर एक्स को नीचे ले आए तो कॉस स्क्वायर एक्स, और इस टेन एक्स को ऊपर ले जाए तो कॉट एक्स, और कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये कॉस एक्स है ये स्क्वायर कैंसिल, यहां आ गया वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, अगर हम नीचे टू का मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यहां से ये बन गया डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू टू अपॉन टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये होता है साइन टू एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं टू और साइन टू एक्स ऊपर गया तो कॉस एक्स टू एक्स, और ये हमें प्रूफ करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 है, इफ वाई इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्रूफ करना है डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स होगा। तो देखिए यहां पे इस पूरे को डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, यहां से वाई का डिफ्रेंशिएशन डीवाई अपॉन डी एक्स, यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा तो एक्स बाहर साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर देन साइन इनवर्स एक्स बाहर एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन देन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन टू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस टू एक्स भी आएगा, ये टू और ये टू कैंसिल, एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, यहां से आ गया डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और ये हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 70 है, इफ वाई इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो प्रूफ करना है वाई डीवाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2x भी आएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस साइड आ गया, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के प्लेस पे हम y लिख सकते हैं, तो ये बन गया y dy अपॉन dx, और ये x इसको लेफ्ट साइड में ले आइए तो माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, और ये हमें प्रूफ करना था, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 71 है, इफ y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, तो प्रूफ करना है dy अपॉन dx इक्वल टू रूट ओवर y स्क्वायर माइनस 4 होगा। तो देखिए y है यहाँ, dy अपॉन dx चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x, देन e टू द पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस x बनेगा। Now, अब यहाँ एक चीज समझिए, a माइनस बी इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यहाँ से 2ab और माइनस 4ab माइनस 2ab आ जाएगा, मीन्स रूट ओवर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये इक्वल होगा a माइनस बी के, तो ये चीज क्लियर। अब इसी का यूज करना है हमें, यहाँ पे a माइनस बी अगर हम इसको मान ले तो यहाँ पे इस पूरे को हम लिख सकते हैं रूट ओवर a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर देन माइनस 4ab, तो 4 इंटू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x, ये बन जाएगा, ये क्लियर। अब e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इसको हम y से रिप्लेस कर सकते हैं, तो रूट ओवर y का स्क्वायर और e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x, ये 1 बन जाएगा, तो माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, और यहाँ dy अपॉन dx है, और यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर। 72 क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्रूफ करना है y dy अपॉन dx प्लस x इक्वल टू जीरो, तो dy अपॉन dx चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x भी आएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, इस पार्ट को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम y लिख सकते हैं, तो यहाँ बन जाएगा y dy अपॉन dx, और ये माइनस x को लेफ्ट साइड में ले आइए तो प्लस x इक्वल्स टू 0, और यही चीज हमें प्रूफ करना था, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 73 है, इफ एक्स वाई इक्वल टू 4, तो प्रूफ करना है एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3y होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ से y इक्वल टू हम 4 अपॉन x लिख सकते हैं। अब यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो इस पूरे को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, 4 कांस्टेंट है बाहर, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर बन जाएगा, ये क्लियर। नाउ यहाँ पे x स्क्वायर है, x को हम रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से x लिखा जा सकता है 4 अपॉन y, तो ये यहाँ पुट कर दीजिए, तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 4 अपॉन y का स्क्वायर बन जाएगा, ये क्लियर। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 4, और ये जो नीचे वाई स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ नीचे 4 का स्क्वायर 16, ये 4 टाइम्स में कैंसिल, इस 4 को इस साइड भेज दीजिए, तो 4 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर को हम चेंज करके लिख सकते हैं 3 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर। अब इस माइनस 4 वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 वाई स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ से 4 कॉमन ले ले, यहाँ पे dy अपॉन dx आ जाएगा, और देन यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये पार्ट आ गया इक्वल टू 3 वाई स्क्वायर, ये क्लियर। अब यहाँ पे 4 dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 वाई, और एक और जो y है इस y के प्लेस पे हम रिप्लेस कर सकते हैं 4 अपॉन x। नाउ ये 4
और ये 4 कैंसिल, इस x को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3y, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, प्रूफ करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू इंटू रूट टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू रूट टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पे इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम यूज कर सकते हैं। तो यहां से ये बन जाएगा एक्स अपॉन टू बाहर रूट टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टू रूट टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस टू एक्स भी आएगा, देन प्लस रूट टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर एक्स अपॉन टू का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टू, देन प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू कॉन्स्टेंट है बाहर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन ए, यहाँ से 1 अपॉन ए भी आएगा। नाउ ये 2 और ये 2 कैंसिल, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से मिल गया रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, देन यहाँ से इस ए से ये स्क्वायर कैंसिल, तो ए अपॉन टू इंटू 1 अपॉन रूट ओवर यहाँ नीचे ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो नीचे का रूट ए स्क्वायर है ये ए बन जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ए आ गया। ये क्लियर। यहाँ से ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ आ गया ए इंटू ए ए स्क्वायर अपॉन टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ नीचे एलसीएम ये आ जाएगा टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से मिल गया माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से प्लस ए स्क्वायर। ये क्लियर। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर अपॉन टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये टू से ये टू और ये टू ये कैंसिल, यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और यही लेके आना था। क्लियर।